किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ियों ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल मैच के दौरान अहम समय पर मैदानी अंपायर नितिन मेनन के विवादित शॉर्ट रन कॉल के खिलाफ अपील की है, जबकि पूर्व खिलाड़ियों ने सही नतीजों के लिए तकनीक के अधिक उपयोग की मांग की है। दरअसल मैच के सुपर ओवर में जाने से पहले टीवी फुटेज से पता चला कि स्क्वायर लेग अंपायर मेनन ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर क्रिस जॉर्डन को शॉर्ट रन के लिए टोका था। टीवी रिप्ले से हालांकि जाहिर था कि जॉर्डन ने जब पहला रन पूरा किया तब उनका बल्ला क्रीज के भीतर था। मेनन ने कहा कि जॉर्डन क्रीज तक नहीं पहुंचे हैं, जिससे मयंक अग्रवाल और पंजाब के स्कोर में एक रन ही जोड़ा गया। तकनीकी साक्ष्य होने के बावजूद फैसला नहीं बदला गया। आखिरी ओवर में पंजाब को 13 रन चाहिए थे और पहली तीन गेंद पर अग्रवाल ने 12 रन बना लिए थे। चौथी गेंद पर रन नहीं बना और अंतिम दो गेंदों पर पंजाब ने मयंक और जॉर्डन के रूप में दो विकेट गंवा दिए, जिससे सुपर ओवर की नौबत आ गई। सुपर ओवर में दिल्ली को 3 रन का लक्ष्य मिला था, जिसमें उसने जीत दर्ज की। यदि वो शॉर्ट रन नहीं दिया जाता तो पंजाब की टीम 3 गेंद पहले ही जीत जाती। अपील का हालांकि नतीजा निकलने की उम्मीद कम है, क्योंकि आईपीएल के नियम के तहत अंपायर फैसले को तभी बदल सकता है जब ये बदलाव तुरंत किया जाए। इसके अलावा अंपायर का फैसला अंतिम है। इसे लेकर किसने क्या कहा, ये आपको ये भी बताते हैं। सतीश मेनन, सीईओ किंग्स 11 पंजाब, उन्होंने कहा, हमने मैच रेफरी से अपील की, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन आईपीएल जैसे विश्व स्तरीय टूर्नामेंट में इसकी कोई जगह नहीं है। वो एक रन हमें प्लेऑफ से वंचित कर सकता है। किंग्स 11 पंजाब की सह मालिक प्रीति जिंटा ने कहा, मैं हमेशा जीत या हार को खेल भावना के साथ स्वीकार करने में यकीन रखती हूं, लेकिन नियमों में बदलाव की जरूरत है। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा, मैं मैन ऑफ द मैच के फैसले से सहमत नहीं हूँ। ये पुरस्कार तो अंपायर को दिया जाना चाहिए जिन्होंने शॉर्ट रन दिया। शॉर्ट रन नहीं था, यही अंतर रहा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर टॉम मूडी ने कहा, तकनीक की मदद के लिए नियमों में बदलाव करना होगा। तीसरे अंपायर को फैसला लेना चाहिए था, लेकिन नियम कहते हैं कि ये नियम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बनाया जाना चाहिए था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।